हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लास। जैसे कि हम लोग पहले क्लास पे बताए थे, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल 5 टाइप्स का होती है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल किसे कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, ठीक है। सो व्हाट डू मीन बाय सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल इज ए डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सो फ्रेंड, यहाँ पे ये हुआ कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल को हम डिस्क्रिप्टिव और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक मॉडल के अंदर, वो हुआ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, ठीक है। पहले क्लास में भी हम बता चुके थे एक बार, जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल है वो 5 टाइप्स का है। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इन डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके इस सारे मॉडल को डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल्स से। तो ये हो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। पहले हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। Develop software. The classical waterfall model is the first process model to develop software. Software develop करने के लिए जो first process model है वो है classical waterfall model. It also it is refer as a linear sequential life cycle model. इसको हम linear sequential life cycle model भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो 6 स्टेप है, 6 स्टेप से बनता है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। इसका जो 6 स्टेप है, एक के बाद एक आता है, एक कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, इसलिए इसको हम सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी मूव टू next step. If the previous step completed successfully, ठीक है, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल हैव 6 स्टेप, दोस आर फिजिबिलिटी स्टडी, तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वो फाइनेंशियल एंड टेक्निकली कितना फिजिबल वो देखा जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी फेज कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग आएंगे रिक्वायरमेंट एनालाइज एंड स्पेसिफिकेशन।
requirement analysis and specification. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जितना सारा कस्टमर रिक्वायरमेंट आते हैं उसको हम लोग पहले गैदर करते हैं एक साथ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन सा वाला रिक्वायरमेंट वैलिड और इनवैलिड। वैलिड रिक्वायरमेंट को एक साथ में एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। इसके ये फेज कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्टेप डिजाइन पर। यहाँ पे क्या होता है, वो जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन स्टेज पे, वो डॉक्यूमेंट को हम लोग एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बना देते हैं, ठीक है। ये स्टेज कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग आएंगे कोडिंग और यूनिट टेस्टिंग पर। कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो जो सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाते हैं उसको हम सोर्स कोड में ट्रांसलेट करते हैं। इसलिए इस स्टेप को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे कोडिंग के बाद हम लोग आएंगे टेस्टिंग पे। यहाँ पे टेस्ट किया जाता है ईच मॉड्यूल को, ठीक है। एक एक करके मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, एरर करेक्ट किया जाता है, बग डिफेक्ट वगैरह को डिटेक्ट किया जाता है। दिस फेज कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे जो टेस्टिंग होता है टेस्ट किया जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, यहाँ पे क्या करते हैं, सारे मॉडल यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है, बग और डिफेक्ट कोई भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम सारे मॉडल को एक साथ इंटीग्रेटेड करते हैं और प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं प्रोडक्शन पर, ठीक है। बात आती है लास्ट स्टेप मेंटेनेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर तो बन जाता है, उस सिर्फ सॉफ्टवेयर बनने से कुछ नहीं होता, उसको मार्केट पे बेचना भी पड़ता है। तो उसके लिए हम लोगों का मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। ये हो चुका मेरा सिक्स स्टेप ऑफ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, फिजिबिलिटी स्टडी। यहाँ इसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, इसके बाद आता है डिजाइन, इसके बाद आते हैं कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, इसके बाद आते हैं इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, इसके बाद आते हैं मेंटेनेंस। नेक्स्ट वी डिस्कस इन डिटेल दो सिक्स स्टेप ऑफ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। तो फर्स्ट आती हूँ फिजिबिलिटी स्टडी पर। This is the first phase of the waterfall model. Phase of waterfall model of the waterfall model. ठीक है। The main aim of feasibility study phase is to determine whether it would be financially or technically feasible to develop the product. ठीक है, लेती स्टडी फेज
is to determine whether it would be financially and technically feasible, FEASIBLE, feasible to DVELOPE, develop the product, DUC to product. So this is the first phase of the waterfall model. First phase, the minimum of feasibility study phase is to determine whether it would be financially and technically feasible to development the product, develop the product. मैंने पहले भी बोल चुके हैं, तो financially and technically feasible है कि नहीं product, वो यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है? इसके बाद आते हैं requirement analysis and specification. Analysis and specification. In this phase, we analyze all the gathered requirements of customer, whether the requirements are valid or invalid, and to document those valid requirements properly. In this phase, we analyze all the gathered requirements of the customer. Whether the requirement are valid or invalid, and to determine, documented and those valid requirement properly. तो यहाँ पे हम कस्टमर के जितना सारे गैदर हुआ रिक्वायरमेंट है उसको पहले चेक करते हैं, वैलिड और इनवैलिड, ठीक है? उसके बाद वैलिड रिक्वायरमेंट को एक साथ एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं, ठीक है? इसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप इज डिजाइन. यहाँ पे क्या होता है, the main aim of design phase is to develop software architecture from software requirement specification document. यहाँ पे जो software requirement specification document बनाते हैं हम, उसको software architecture पे develop करना ही इसका main aim है, ठीक है? उसको हम write down कर लेते हैं यहाँ पे. The main aim of design phase is to develop software architecture
from software requirement specification. SRS requirement, software requirement specification, ये important है, ठीक है, document. ये हो चुका हमारा design phase. इसके बाद आते हैं coding and unit testing पर. हमारा fourth step है coding and unit testing. The purpose of coding and unit testing phase is to translate the software design into source code. The purpose of the coding and unit testing phase is to translate the software design into source code. यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन को सोर्स कोड पे ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है. दिस इज आल्सो कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन फेज. इसलिए इसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन फेज भी कह सकते हैं, ठीक है. इसके बाद आते हैं आफ्टर कोडिंग इज कंप्लीट. आफ्टर कोडिंग इज कंप्लीट ईएससीएच ईच मॉड्यूल मॉड्यूल इज टेस्टेड. Then there is no bug or defect. इसके बाद आते हैं इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग पे, ठीक है. इंटीग्रेशन and system testing. Here on testing is completed, so there are no bug and defect. Then different modules are integrated in a planning
manner. And project is deployed to production. Here, once testing is completed, so there are no bug or defect, then different modules are integrated in a planning manner and project is deployed to production. ठीक है? इसके बाद आते हैं final stage maintenance. Maintenance phase involves of the following three kinds of activity. One, correct is CT, correcting error. Second, improve the implementation of the system according to the customer requirement. ठीक है, थर्ड स्टेप जो है वो आते हैं टाइम टू टाइम वी कीप अपडेट. The product according to the customer requirement. ये जो maintenance stage है ये बहुत ज़्यादा important stage है. एक software development करने के बाद हम लोगों को maintenance करना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, और जो maintenance किया जाता है वहाँ पे first stage जो है पहले देखा जाता है कि error है कि नहीं. ठीक है, error testing के बाद हम लोग क्या करते हैं, customer का requirement के हिसाब से उसको इम्प्रूव करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, इसके बाद टाइम टू टाइम उसको प्रोडक्ट को अपडेट भी करना पड़ता है जो कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से. आज एक कस्टमर पसंद करे इसका मतलब ये नहीं वो कल भी वो ही पसंद करेंगे. एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है. ये जो सिक्स स्टेप है मेंटेनेंस, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद हम लोगों को मेंटेनेंस करना पड़ता है. ठीक है, मेंटेनेंस फेज इन्वॉल्व ऑफ द फॉलोइंग थ्री काइंड ऑफ एक्टिविटी. पहला जो है एरर करेक्टिंग. यहाँ पे देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर पे कोई एरर है कि नहीं. अगर कोई एरर आए तो उसको पहले करेक्ट करना पड़ेगा.
इसके बाद इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो है टाइम टू टाइम वी कीप अपडेट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है कस्टमर आज जो चाहता है कल वो ही चीज़ चाहेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कस्टमर के हिसाब से हम लोगों का अपडेट भी करना पड़ेगा टाइम के साथ साथ। ये हो गया हमारा क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। बट यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी है। अगर हम लोग मेंटेनेंस पे जाकर देखें कि कोडिंग और यूनिट टेस्टिंग फेज पे कोई मिस्टेक आ गया तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम लोगों को फिर से फिजिबिलिटी स्टडी पे जाना पड़ेगा वो एरर करेक्ट करने के लिए। यहाँ से मेंटेनेंस से कोडिंग पे जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस तरह अगर कोई भी स्टेज पे कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम लोगों को फिजिबिलिटी स्टडी पे पहले जाना पड़ेगा और एक के बाद एक फिर से सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास पे सीखेंगे इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आए तो नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड कीजिए। और एक बात, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जैसे कि अदर कंप्यूटर सब्जेक्ट। अगर आपको इस क्लास पसंद आए और इस चैनल के वीडियो पसंद आए और आप लोग चाहते हैं कि ये चैनल ग्रो करे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू for watching this video.